हो गया। आज के आरोग्य सभा की शुरुआत हम वैदिक मंत्रों के द्वारा करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण, 1 बार गायत्री मंत्रों का जप करेंगे। तो आइए आंख बंद कर लेते हैं, प्रभु का ध्यान करते हुए सांस भरिए। हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए यह कार्यक्रम बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के ग्रहणी प्रखंड के ऐतिहासिक पारपुर गांव के शिव मंदिर के प्रांगण में चल रहा है। और आप सभी दिव्यात्माएं योग आयुर्वेद स्वदेशी को जीवन में अपना करके अपने शरीर रूपी मंदिर को स्वस्थ बनाने का हम सभी संकल्प लेंगे। तो आइए, आपके बीच में मैं 2 पौधों को लेकर आया हूँ। एक आप जामुन देख रहे हैं और एक आप नीम देख रहे हैं, बीच बीच घुमाते भी रहना है। तो नीम का ये पौधा, अभी हमारे एक भाई बीच में अभी बोल रहे थे कि हमें बड़े हो गया है, कील मुहासा हो रहा है। तो ये जिनको चेहरे पर दाग धब्बा है, कील मुहासा निकल रहा है, अभी गर्मी का दिन आ रहा है, घमौरियाँ निकलेंगे, फोड़ा फुंसी निकलेगा, चुन चुनी नोचनी होगा पसीना से, तो पाउडर, टेलकम पाउडर लगाने से वो खतरनाक ज़्यादा हो जाता है। वो इतना चिकना होता है कि हमारे छित्र को भर देता है और हमें और परेशानियां बढ़ जाते हैं उससे। तो यदि आपको घमौरी हो जाए, आपको ज़्यादातर शरीर में नोचनी हो जाए, सूखड़ हो जाए, कलकल हो जाए, एक्जिमा हो जाए, दाद हो जाए, सोरासिस हो जाए, सफ़ेद दाग हो जाए, तो आपको 7 पत्ते नीम को तोड़ करके धो करके, ताकि उसका धूल गर्दा हट जाए, और खाली पेट में चबा चबा करके आप 21 दिन या 1 महीना लगातार खा लें सुबह खाली पेट में। और नीम के पत्ते को पीस करके चटनी जैसा और पूरे शरीर में मालिश करिए और 1 घंटा उसको छोड़ दीजिए सूखने के लिए, और उसके बाद ताजे जल से आप स्नान कर लीजिए। और ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो पीपल का पेड़ जहाँ रहता है वहाँ पे कोई पखाना नहीं करता है, कोई पेशाब नहीं करता, कोई थूकता नहीं है, वहाँ पे कोई कूड़ा कचरा नहीं फेंकता है, वहाँ कोई केमिकल या रासायनिक खाद नहीं प्रयोग करते हैं। तो पीपल के पेड़ के नीचे का मिट्टी निकाल लीजिए 1-2 किलो। घुमाते रहना सर, घूमने। तो पीपल के पेड़ के पास जाइए, तो पेड़ के नीचे जा करके और ऊपर से 2-3 इंच ऊपर वाला भाग हटा दीजिए और नीचे कुदाल से, खंती से या कोई भी अस्त्र से उसको निकाल दीजिए मिट्टी, और उसको पूरा चूरन बना लीजिए और चलनी में चाल करके और रख दीजिए ताकि कंकड़ पत्थर निकल जाए। 4 चम्मच वो पीपल के पेड़ के नीचे वाला मिट्टी और ये नीम के पतई का चटनी कूट करके, पीस करके ताजे पतई का, और उसमें 1 नींबू गाड़ देते हैं और 1 या 2 चम्मच हल्दी पाउडर उसमें मिला देते हैं और उसको 1 घंटा या 2 घंटा फूलने के लिए छोड़ दीजिए। और उसको फिर चेहरे पर मालिश करिए या आप अपने पूरे त्वचा पे मालिश करते हैं, शरीर पर पूरा मालिश करिए, सूखने लगे तो फिर थोड़ा पानी लेकर के पूरा उसे मसाज करिए और 2 घंटा छोड़ करके सुखा दीजिए और फिर पानी लगा लगा के मालिश करके फिर धो लीजिए। आपके त्वचा के जितने सेल्स जो मृत प्राय हो रहे थे वो सब जागृत हो जाएंगे, जो झुर्रियाँ पड़ रही हैं त्वचा पर, चेहरे पर या किसी भी अंग में, वो झुर्री ठीक होने लगते हैं। झुर्री क्या होता है, आप छोटे बच्चों को देखे होंगे,
जो उसका त्वचा ज्यादा कोमल होता है, और वही व्यक्ति वही बालक बड़ा होकर के जब बुढ़ा जाता है तो उसी त्वचा पर झुर्री आने लगता है। हम सब जब शरीर में धारण आज कर लेते हैं हमारी आत्मा, तो जो बच्चा जितना कम उम्र का रहेगा तो कम दिनों में ही ऊपर के जो उसका सेल्स होता है निकल जाता है। जैसे पेड़ पर ऊपर का जो देखे होंगे परत हट जाता है और फिर नया परत उसमें दिखाई पड़ता है। तो जो बच्चा जितना छोटा रहेगा उसका बार बार ऊपरी त्वचा का परिवर्तन होता है और नया त्वचा उसे दिखाई पड़ता है, तो उसका त्वचा कोमल नजर आता है। जब हम बड़े होने लगते हैं तो ऊपरी त्वचा जो हमारा है डेड सेल्स है वो निकलता नहीं है और उसी पर जमना शुरू कर देता है, और बाद में वो कड़ा हो जाता है, रुखड़ा हो जाता है, फटने लगता है और वह दरदरा हो जाता है और झुर्रियां पड़ने लगती हैं। तो जब हम अभी जो बताए हैं मिट्टी वाला लेप, जब पूरा मालिश करेंगे तो 2 से 3 खुराक लगाने पर ही आपको महसूस होगा कि पहले से हम ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, पहले से हम ज्यादा कोमल अपने आप को महसूस कर रहे हैं, पहले से ज्यादा हमारी त्वचा निखरी निखरी लग रही है। अब इस मिट्टी का प्रयोग करके हमारे पूर्वज शुरू से लेकर के आज तक उपयोग करते हैं, शरीर को स्वस्थ बना करके आए हैं। और आज हम लोग कॉस्मेटिक जो सामान खरीद के लाते हैं वो तो बहुत महंगा होता है, दूसरा केमिकल से बना होता है और हमारे त्वचा को बर्बाद कर देता है। तो जिनको कील है, मुहासा है, दाग है, धब्बा है, झुर्री है और त्वचा फट रहा है सोरायसिस है या किसी प्रकार का चर्म रोग है, तो जो मैंने भी बताया है पीपल के पेड़ के नीचे का मिट्टी, उसमें 1 या 2 चम्मच हल्दी पाउडर, उसमें इतना 1 मुट्ठा का पीस करके ये नीम के पत्ते का चटनी और नींबू लगा देते हैं, और ऐसा करने से जितने भी चर्म रोग संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और साथ साथ पत्ता नीम के पत्ते को प्रतिदिन खा लेना है। जिनको शुगर नहीं ठीक हो रहा है उनके लिए भी नीम का पत्ता जबरदस्त है। अब तो इसका गोली बना के आ रहा है, नीम घन भट्टी या नीम का स्वरस या नीम का तेल आता है, वो बहुत पैसा लगा लगा के हम यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास ये जामुन का ये पौधा आप देख रहे हैं, तो जामुन का पौधा भी बड़ी हमारे लिए जबरदस्त है। और अभी गर्मी का दिन आ रहा है, गर्मी के दिनों में पेट में गर्मी हो जाना या आपको शुगर की समस्या है, आपका पैंक्रियाज में असंतुलन हो जाए, आपको पेट में कभी अचानक दर्द हो जाए और कोलाइटिस हो जाए, संग्रहणी हो जाए, यानी किसी को लुटका जैसा पखाना होता है, पखाना करिएगा और पखाना होने के बाद अब आइएगा तो फिर मन करेगा कि फिर लग गया है, चिकनाईयुक्त लेटिन होना, उसको कहते हैं संग्रहणी, उसको कहते हैं कोलाइटिस। अब ये कब दूर होगा? ये तभी दूर होगा जब हमारा आहार विहार, जब हमारा भोजन, हमारा उठना बैठना, हमारा सोना, यानी जीवन का हर क्रियाकलाप एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय सारणी के साथ जब होगा तो कभी भी हम जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे। तो जामुन के बारे में, ये जामुन अभी ये फल देने वाला है, अब ये फल जब देगा तो इसके जामुन का पका फल खूब खाइए, और पका फल खाने के बाद आप उसके बीज को सुखा दीजिए। बीज को क्या करना है? सुखा देना है, और बीज जब सूख जाए तो उसको चूर्ण बना करके फिर